हाँ जी, आवाज आ रही है। तो आज थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था प्रतीक गमन का, है ना। प्रतीक गमन के प्रैक्टिकल सवाल जो किताब में दे रखे हैं, वो काफी सवाल आज वाले टॉपिक से रिलेटेड हैं, ध्यान से देखना। मुझे बताओ प्रतीक गमन में कितनी रेखाएं होती हैं? दो, एक वाई की एक्स पर और एक। चलो छोटी सी बात आपसे पूछता हूं, तो वैसे आपको पता होगा, जैसे y बराबर 4 + 0.5x, y की x पर रेखा है। इसने बोल दिया, इसने खुद ने बोल दिया कि ये y की x पर है। कौन है ये? x बराबर 2 + 0.4y x की y पर है, x की। इसने तो बोल दिया ये y की x पर और एक x की y, तो y की x पर में कौन होता है? BYX। अरे y की x पर में कौन होता है? तो ये जो 0.5 दिख रहा है, यही तो BYX होगा। x का गुणांक, किसका गुणांक? यहां पे जो y का गुणांक होगा वो कौन होगा? BXY। अरे बोलो ना। तो जो r होगा, r वो BYX इंटू BXY का अंडर रूट होता है, तो 0.5 × 0.4 का अंडर रूट ले लेंगे। सही है ना? बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, तो दोनों को गुणा करके रूट ले लेंगे तो आर आएगा 0.44 प्लस का, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों प्लस के हैं, तो आर प्लस का होगा। अगर दोनों माइनस के होंगे तो आर। अगर मुझे बताओ 2x + 3y + 4 = 0, 3x + 4y + 5 = 0, इनमें से y की x पर कौन सी है? पता नहीं सर। अरे सर, आपने तो दो समीकरण दे दिए, तो दो समीकरण के ही प्रश्न है क्या इसमें? मैंने कहा यस, आपको दो समीकरण दे देगा, दोनों समीकरणों में काफी बातें छुपी हुई होती है। बी वाई एक्स छुपा हुआ है वाई की एक्स पर, बी एक्स वाई छुपा हुआ है एक्स की वाई पर, आर छुपा हुआ है, तो हमें दो समीकरण दे देगा, तो बताएगा वाई की एक्स पर कौन सी रेखा है, बस इसी का उत्तर लगाना है। तो या तो फर्स्ट होगी या सेकंड होगी, तो इनमें से कोई एक। अरे इनमें से कोई एक वाई की एक्स पर है और एक एक्स की, अब बताओ कौन सी है? पता ही नहीं, ऐसे तो बता ही नहीं सकते। तो एक तरीका है, पहले ये सवाल नोट करो।
अच्छा एक चीज और सिखा देता हूँ, 2x + 3y + 4 = 0 y की x पर है, ये तो इसने बोल ही दिया। 3x - 5y + 6 = 0 x की y पर, तो बताओ बी वाई एक्स का मान क्या होगा और बी एक्स वाई का मान क्या होगा। सर इसको रूप में लेना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना पड़ेगा। बताओ ये कौन सी लाइन है, तो y बराबर ए प्लस बी एक्स का रूप बनाना पड़ेगा ना। तो y को इधर ही रखो, x को उधर ले जाओ, माइनस का 2x - 4, ये 3 का भाग दे दो। चलो भाग दे दिया, तो जो x का गुणांक है वो बी वाई एक्स है। बोलो माइनस का 2/3, माइनस का। ये सवाल अलग है और ये सवाल अलग है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं। ये x की y पर है, बोलो। तो इसको x बराबर ए प्लस बी वाई के रूप में लेना पड़ेगा, तो 3x को इधर ही रखना पड़ेगा, 5y - 6, तो x बराबर 5/3y - 6/3, तो y का गुणांक कितना है, तो ये बी एक्स वाई हो गया। अरे आया क्या समझ में, एक को y के रूप में ले लो और एक को x के रूप में ले लो, तो उससे बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का पता लग जाता है। किसका पता लग जाता है, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, ये भी नोट करो। बताओ बोर्ड पे कितने समीकरण है, एक वाई की एक्स पर और एक एक्स की, कौन सी है ये नहीं पता, तो ये बोला वाई की एक्स पर रेखा कौन सी है, इसी का उत्तर देकर आना है। इतना सा सवाल है, छोटा सा सवाल, पर सर हम एक्स की वाई पर भी बता सकते हैं। जब दो रेखा दे रखी हो, दो समीकरण दे रखे हो, तो आर का मान भी बता सकते हैं, आर भी इसी में छुपा हुआ है, क्योंकि इसमें बी वाई एक्स और बी एक्स वाई तो छुपे हुए हैं ही, तो उससे तो आर भी आ जाएगा। सर इसमें बी वाई एक्स भी है, बी एक्स वाई भी है, उनका भी मान ज्ञात करना है। कुल पांच, कुल चार सवाल हो गए। अब चारों सवाल में दो समीकरण देगा, बोले यस दो समीकरण देगा, क्या विधि है, क्या तरीका है, ध्यान से सुनना, एक बार बोल बोल के बताऊंगा, बाद में आपसे पूछूंगा।
अरे बस बुढ़ापा आ गया क्या? चलो बस बस टॉपिक पे आ जाओ। हाँ जी, अरे ध्यान से सुनना, मेहनत लगेगी इसमें मेरी। हाँ सुनो, अब बताऊं क्या करेंगे। सभी बच्चों एक बार में समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए ध्यान होना चाहिए स्क्रीन पे। ठीक है, मैं बताने जा रहा हूं। देखो क्या होता है, आपको x और y का समीकरण मिलेगा, पहले x होना चाहिए बाद में y होना चाहिए, दोनों के बीच का चिन्ह सेम होना चाहिए। अगर दोनों का चिन्ह सेम नहीं है तो क्वेश्चन गलत है, तो उसमें ना तो y की x पर होती है, ना x की y पर, ना r का मान होता है। अगर दोनों के बीच का चिन्ह अपोजिट हो जाए, एक प्लस का और एक माइनस का अलाउड ही नहीं है, दोनों का चिन्ह समान होना चाहिए। दोनों का चिन्ह या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। अगर बीच का चिन्ह प्लस और माइनस का हो जाएगा तो कोई भी निर्धारण नहीं होगा, ना तो वाई की एक्स पर, ना एक्स की वाई पर, ना आर का मान, कुछ भी नहीं होगा। नन ऑफ दीज आंसर होगा। क्या आंसर होगा? अब ध्यान से सुनो, पांच को दो से गुणा करेंगे दस, पांच को दो से गुणा करेंगे दस, चार को तीन से गुणा करेंगे बारह। ये जो मान आया वो एक से छोटा आया, एक से छोटा। अरे दस में बारह का भाग देंगे, एक से छोटा ही तो आएगा। अगर एक से छोटा आया तो y की x पर पहली वाली होगी और x की y पर दूसरी वाली, ये होगी फर्स्ट। 2x plus 3y plus 6 बराबर 0 पे टिक कर देना। 4x plus 5y plus 9 बराबर 0 x की y पर होगी, अगर एक से छोटा आया तो। एक से अगर एक से बड़ा आया तो y की x पर सेकंड होगी और x की y पर फर्स्ट हो जाएगी। अगर एक से छोटा आया तो y की x पर फर्स्ट और x की y पर सेकंड, एक से बड़ा आता है तो y की x पर सेकेंड और x की y पर फर्स्ट। समझ गए सर ये दो आंसर? अब बच्चों क्या पूछा है, इसी संख्या का अंडर रूट ले लेंगे, 10 बटे 12 का अंडर रूट ले लो, यही r का मान होगा। 0.91, 0.91। ध्यान से देखो, बीच का चिन्ह क्या है तो R माइनस में होगा, अपोजिट होता है। अगर दोनों के बीच का चिन्ह प्लस है तो R माइनस में होगा, और माइनस का है तो प्लस में होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव तो अलाउड ही, तो या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों के। अगर दोनों के बीच प्लस का चिन्ह होगा तो R किस में होगा, और दोनों के बीच माइनस का चिन्ह होगा तो R। अब क्या बचा, तो BYX, कौन सी रेखा Y की X पर कौन सी है, पहली है या दूसरी? पहली। तो हम पहली के पास जाएं या दूसरी के पास? पहली के पास क्यों जाएं? क्योंकि उससे BYX निकालना है। क्या निकालना है? तो 2x plus 3y plus 6 बराबर 0, y का रूप ले लो, 3y बराबर minus 2x minus 6, y बराबर minus 2 बटे 3x minus 6 बटे 3, x का गुणांक बोलो, ये हो गया BYX। क्या हो गया? अब दूसरी रेखा 4x plus 5y plus 9 बराबर 0, x का रूप ले लो, 4x बराबर minus 5y minus 9, x बराबर minus 5 बटे 4y, 9 बटे 4, y का गुणांक बोलो, मुझे बताओ, byx नेगेटिव है, bxy नेगेटिव है, तो r भी नेगेटिव होगा ना, ये दोनों नेगेटिव है तो r भी नेगेटिव होगा। यही रीजन था कि अपन ने माइनस में लिया, क्योंकि byx और bxy दोनों नेगेटिव आने वाले थे। ऐसे नहीं, ऑनलाइन वाले केवल आवाज सुनेंगे मेरी। समीकरण में पहले x होना चाहिए या पहले y? पहले x, पहले कौन होना चाहिए? अगर पहले y है तो उसको पहले रूप में बनाएंगे, पहले x को लिखेंगे बाद में y को लिखेंगे। दोनों के बीच का चिन्ह क्या होना चाहिए? सेम, या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस। वज्र गुणा करेंगे, क्या करेंगे? अचर पद से कोई लेना देना, अचर पद कितना भी बड़ा हो कोई लेना देना नहीं है, x का गुणांक और y का गुणांक देखना है, x का गुणांक और y का गुणांक। वज्र गुणा किया, वज्र गुणा किया तो कितना आया? 10, 10 के नीचे 12, एक से छोटा है या बड़ा? एक से छोटा, एक से छोटा। तो जब एक से छोटा आता है तो y की x पर कौन सी होगी? x की y पर, x की y पर सेकंड होगी, x की y पर। इसी संख्या का क्या ले लेंगे? अंडर रूट। दोनों के बीच प्लस का साइन है तो r किस में होगा?
बी वाई एक्स के लिए कौन सी रेखा चाहिए, कौन सी वाली में जाएंगे, फर्स्ट वाली के पास जाके वाई का रूप ले लेंगे, किसका रूप ले लेंगे, जो एक्स का गुणांक आएगा वो कौन आएगा, और जो यहाँ पे एक्स की वाई पर में एक्स का एक्स एक्स का रूप ले लेंगे, किसका रूप, जो वाई का गुणांक आएगा वो कौन होगा। अब मुझे बताओ अगर एक से बड़ा आता, अगर एक से तो वाई की एक्स पर कौन होती, एक्स की वाई पर क्या चाहिए, जो बड़ा आएगा उसको पलट देंगे, उसको जैसे 25 बटे 12 आया, 25 बटे तो उसको पलट के क्या बोलेंगे, 12 बटे 25, 12 बटे और उसका रूट ले लेंगे, कब कब, जब एक से बड़ा आए, जब एक से, जब एक से छोटा आए तो कोई टेंशन है, उसी संख्या का अंडर रूट लेने से कौन आता है, आर। प्रतिगमन में कितनी रेखाएं होती है, तो दो रेखाओं के सवाल भरे पड़े हैं, भरे पड़े, सारे सवाल कर लोगे क्या, नो डाउट। हेलो हेलो, हाँ मैं 7 बजे, ठीक है, आइसक्रीम कौन सी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, मजा आ गया सर, मंजीत क्योंकि नियम है कि अगर दोनों के बीच का प्लस साइन होगा तो आर माइनस में होगा, बी वाई एक्स नेगेटिव है, बी एक्स वाई नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव होगा। वो मैंने कहा था ना क्वेश्चन दोनों अलग है, बी वाई एक्स का क्वेश्चन अलग है, बी एक्स वाई का क्वेश्चन अलग है, कह तो दिया था। अपोजिट होगा तो क्वेश्चन नहीं गलत है।
आर को क्या बोलते हैं? आर को, आर को। और बी प्रतिगमन गुणांक कितने होते हैं? दो, एक वाई का एक्स पर। चलो जी नेक्स्ट में प्रैक्टिस इसी प्रश्न की करते हैं, उसके बाद एक से बड़ा भी लेंगे। 3x-5y+9=0, 14x-3y+12=0, y की x पर, x की y पर r का मान, byx का मान, ठीक है करें? ये सर वज्र गुणा, 3 3 9, 14 5 70, 1 से क्या आया? छोटा। y की x पर फर्स्ट, x की y पर 9/70 का ही क्या ले लेंगे? अंडर रूट। बीच का चिन्ह किसका है? तो r किस में होगा? प्लस। byx कौन सी रेखा से आता है? y की x पर कौन सी है? फर्स्ट। तो 3x-5y+9=0, इसे y के रूप में लेना है, तो 5y=3x+9, y=3/5x+9/5, x का गुणांक, तो byx का मान 3/5 आ गया क्या? नो डाउट, रिपीट कर दिया मैंने।
अब बच्चों 4x प्लस 5y बराबर 214, 3x प्लस 6y बराबर 192, y की x पर रेखा कौन सी है? x की y पर रेखा कौन सी है? r का मान क्या है? dyx का मान क्या है? चलो करें, चलो वज्र गुणा, 6 चौक 3 पंजे एक से, ये तो एक से बड़ा आ रहा है, 24/15 दो, तो y की x पर क्या होगी? सेकेंड, x की y पर इसको रूट ले लेंगे या पलट के, तो 15/24 का अंडर रूट, दोनों के बीच का चिन्ह क्या है? तो r किस में होगा? bx कौन सी लाइन से आएगी? सेकेंड लाइन से, सेकेंड लाइन से क्यों? फर्स्ट तो y होने सही नहीं, bx तो y की x पर होता है, y की x पर तो सेकंड है, कौन सी है? तो सेकंड को लिखेंगे और y का फॉर्मेट बनाएंगे, 6y बराबर माइनस 3x प्लस 192, y बराबर माइनस का 3/6x प्लस 192/6, x का गुणांक तो माइनस का 1/2, बोलो माइनस का 1/2, ये आ गया bx, समझ गए क्या? अच्छा, जैसे दो समीकरण दे रखे हैं, 2x प्लस 4y प्लस 9 बराबर 0, और एक दे रखा था 5x बराबर माइनस का 7y प्लस 2 बराबर 0, x का मानक विचलन, बोलो 4 है तो y का मानक विचलन, यानी दो समीकरण दे रखे हैं। अब r तो पूछा ही नहीं, अरे तो इसमें bx bxy r तीनों छुपे होते हैं या नहीं छुपे होते? तो bx का फॉर्मूला होता है r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा x, फॉर्मूला बोलो, तो bx पता, r पता, सिग्मा वाई पता, सिग्मा x पता, तो आ जाएंगे सर। कैसे आएंगे बताओ, पहले तो ये माइनस का है, इसको इधर लो, 2x प्लस 4y प्लस 9 बराबर 0, 5x प्लस 7y माइनस 2 बराबर 0, बीच का चिन्ह क्या है? सेम सेम है, 7 दूनी
पांच चौक एक से वाई की एक्स पर फर्स्ट, एक्स की वाई पर 14/20 का अंडर रूट से कौन आएगा, किसका होगा, माइनस का, कितना आया 0.83 माइनस का, किसका, सही है। अब वाई की एक्स पर कौन सी है, फर्स्ट, अरे वाई की एक्स पर कौन सी है, तो इसको 2x प्लस 4y प्लस 9 बराबर 0 को y का रूप लो, 4y बराबर माइनस 2x माइनस 9, माइनस का 2/4x, 9/4, इसका गुणांक कितना आया byx, माइनस 1/2, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। बच्चों byx का फॉर्मूला होता है r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, byx का मान -1/2, r का मान -0.83, सिग्मा y निकालना है, सिग्मा x का मान 4, माइनस से 4 गया, 4 में 2 का भाग, ये 2, तो 2 बराबर 0.83 सिग्मा y, तो सिग्मा y बराबर 2/0.83, 2 का भाग दे दो, 2 डिवाइड 0.83, हाँ 2.40, अगर विचरण पूछा तो 2.40 का स्क्वायर कर दो, 5.76, समझे क्या, अरे समझ गए क्या, नोट डाउन। BYX बराबर R इंटू सिग्मा Y अपॉन सिग्मा X का फॉर्मूला लगाया है, क्योंकि हमें सिग्मा X और सिग्मा Y के बारे में पूछा था, मानक विचलन दो रेखा दे रखी है, अगर ये सवाल ऐसे होता 4x प्लस 5y प्लस 2 बराबर 0, 3x माइनस 7y प्लस 9 बराबर 0, r का मान क्या होगा, क्यों, ये प्लस का है और ये निर्धारण, y की x पर none of these, आज के लिए इतना ही।